राजस्थान में विधानसभा के लिए वोटिंग शुरू है, सुबह से ही मतदान हो रहे हैं। सभी बड़े नेता जो है पहले पूजा अर्चना करके, जैसे एग्जाम टाइम में होता है, पूजा अर्चना करने के बाद वोट डालने पहुंचे हैं। जया, बिल्कुल, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक मतदान होना है। तो कुल 200 सीटें हैं, लेकिन 199 सीटों पर यहां पर मतदान हो रहा है, क्योंकि एक सीट पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनका निधन हो गया, वहां पर बाद में वोटिंग होगी। तस्वीरें सुबह से हम आपको दिखा ही रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है घरों से बाहर निकले, और सुबह 9 बजे तक अगर आंकड़े की हम बात करें तो 9.8% करीब मतदान हो चुका है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, 5 बार के विधायक, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान की, वोट डालते हुए। और बाबा, यहाँ इनका जो पोता है, फर्स्ट टाइम वोटर है, वो भी वोट डालने पहुंचा। मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा कि रात भर चल के आया वोटिंग करने के लिए। तो किन नेताओं ने क्या क्या कहा वोट डालने के पास, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूं। राजस्थान एकमात्र स्टेट है जहां 50 लाख तक का इलाज फ्री है। दुनिया में मॉडल है मेडिकल का, दुनिया में मॉडल है रोजगार का। सच्चाई और ईमानदारी के साथ कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर काम के आधार पर वोट करना चाहिए, जिसको आप पकड़ सकते हैं, जिसके साथ खड़े होकर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब मिलके। सर, सबसे पहले बताइए, आप अभी वोट कास्ट करके आए हैं, एज अ वोटर किन मुद्दों पर आपने आज वोट कास्ट किया अपना? राजस्थान में पिछले 5 साल में हुए भ्रष्टाचार, राजस्थान में हुए तुष्टिकरण के तांडव, राजस्थान में हुए महिलाओं के ऊपर अपमान, राजस्थान में बड़ी बेरोजगारी और महंगाई, राजस्थान में युवाओं के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़, इन 6 प्रमुख विषयों पर मैंने मतदान किया। और मैं ये मानता हूँ हर जागरूक व्यक्ति इन्हीं 6 विषयों को लेकर के राजस्थान में मतदान करेगा। एक एक सवाल सर ये कि सर फ्रीबीज, एक बहुत बैटल ऑफ फ्रीबीज कई लोग इसको कह रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स, तो आपको लगता है कि बीजेपी जो कहीं ना कहीं अपोज्ड है फ्रीबीज से, यहाँ पर राजस्थान में क्या ऐसा हुआ कि आप मजबूर हुई बीजेपी की फ्रीबीज भी कहीं ना कहीं गारंटीज देने पड़े? मजबूर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल के इस शासन काल में जो हमने कहा वो किया, जो हमने नहीं कहा वो भी किया। अब माननीय मोदी जी अगर गरीब के सशक्तिकरण के लिए घर बनाते हैं, उसके घर बिजली का कनेक्शन देते हैं, उसको गैस का चूल्हा देते हैं, उसको बैंक का खाता देते हैं, उसके घर में शौचालय बनाते हैं, ये फ्रीबीज नहीं है, ये सशक्तिकरण है। और सशक्तिकरण संतुष्टिकरण के स्तर पर कि हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले। हम 5 साल पहले सरकार में आने से पहले कि हम इस दिशा में काम करेंगे, ये एक संदेश जनता को है, हमारा विजन है आने वाली सरकार का। जबकि जाने वाली सरकार ये जानते हुए कि 4.5 साल तक हम डिलीवर नहीं कर पाए, जनता आक्रोशित है और हमारी धरती खिसक गई है, तब आनंद फानंद में आधार विहीन बिना तैयारी के घोषणाएं करें, वो फ्री भी। तो ये आपने सुना शेखावत साहब को, अब हम सीधे उदयपुर चल सकते हैं। सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, बताइए वहां पे वोटिंग कैसी चल रही है? जी, बहुत अच्छी वोटिंग चल रही है और पहले 2 घंटे में 9% से अधिक वोटिंग हुई है। और ये उदयपुर ग्रामीण सीट है, यहाँ पे आप कतार देख सकते हैं, काफी लंबी कतार है जिसमें बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कुछ युवा वोटर्स भी हैं। आप पहली बार वोट करेंगे? इससे पहले वोट किया है आपने? इससे पहले बार किया है। इससे पहले वोट किया है, क्या मुद्दे हैं आपके लिए वोटिंग के? डेवलपमेंट है फिलहाल तो। और क्या क्या समस्याएं हैं उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र? नहीं, ऐसी तो अभी कोई समस्या है नहीं। तो और कई महिलाएं भी हैं हमारे साथ। दीदी, आप वोट करने जा रही हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगी आप? जो अच्छा काम करेंगी उसी मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट देंगे हम। तो महिलाओं से जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं, क्योंकि महिला वोटर बहुत अहम है और बड़ी संख्या में महिलाएं वोट भी करती हैं? महिला के मतलब महिलाओं के लिए अच्छा कार्य किया जाए। और सोमू, हमें आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या ध्यान में रखकर के वोट करेंगी? जी जी, उदयपुर के बारे में बताइए। प्रधानमंत्री भी अभी हम वैसे अशोक गहलोत को दिखा रहे हैं कि अशोक गहलोत जो हैं वो अपना वोट डालने के लिए जा रहे हैं जोधपुर के सरदारपुरा सीट से। ये चुनाव लगातार लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं। अब सोमू, जरा बताइए उदयपुर के बारे में
कि वहां पर काफी कुछ कंसंट्रेशन रहा, प्रधानमंत्री भी बार बार गए उस एरिया में, उसके उसके महत्व के बारे में बताइए, क्यों इतना हॉट सीट बना हुआ था? जी देखिए, जी बिल्कुल, देखिए जो पूरा मेवाड़ का इलाका है उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है वो राजस्थान की सत्ता तक पहुंचता है। हालांकि 2018 में यह मिथक जरूर टूटा, लेकिन फिर भी मेवाड़ का पूरा इलाका जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इस इलाके में कई सीटें जो हैं वो आदिवासी बहुल सीटें हैं, उन वोटर्स को साधने के लिए। उसके साथ साथ आप देखिए कि पूरे राजस्थान में इस बार जो चुनावी बहुत प्रमुखता से बार बार उठाया गया, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कन्हैया लाल हत्याकांड का, वो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जो है, वो घटना जो है वो उदयपुर में ही हुई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह भी रही कि उदयपुर शहर की जो सीट है जहां पर यह घटना हुई थी उसमें किसी भी प्रत्याशी ने उसका जिक्र नहीं किया। तो उदयपुर काफी महत्वपूर्ण है, यहां से गुलाबचंद कटारिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे वो भी उदयपुर शहर से, और अभी वो थोड़ी देर पहले इसी बूथ पर अपना वोट डाल करके गए और ये कह करके गए कि बड़ी संख्या में लोगों को आना चाहिए वोट करने के लिए, असम से वे वोट करने के लिए आए हैं। तो उदयपुर का जो पूरा इलाका है ये काफी महत्वपूर्ण है, और इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जो आदिवासी आइडेंटिटी के साथ जो पॉलिटिक्स करने वाली कुछ पार्टियां हैं, भारत आदिवासी पार्टी और ट्राइबल पार्टी, इन दोनों ने काफी चुनौती भी दी है। तो इसलिए इस पूरे इलाके में जो चुनाव है वो सिर्फ दो तरफा नहीं है, उसमें नए फोर्सेज भी हैं। तो एक लड़ाई जो है वो पूरी तरह से दिलचस्प हो गई है, कई कई सीटों पर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय तक मुकाबला है। वल्लभनगर जो सीट है उदयपुर जिले की, वहां चतुष्कोणीय मुकाबला है। तो काफी कुछ दिलचस्प हो रहा है इस पूरे इलाके में, और काफी जो परिणाम आएंगे वो बहुत अलग हो सकते हैं इस पूरे इलाके में। जी सोमू, जी सोमू, हम आपके पास आते रहेंगे। मुबारक भी हमारे साथ है, और हमारे साथ नंद गोपाल जी भी जुड़े हुए हैं। नंद गोपाल जी, सोमू ने जो एक बात कही कि भले अनफॉर्चुनेट घटना जो हुई उदयपुर, लेकिन वहां पे जो कैंडिडेट थे उन्होंने जो है उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने उसको जरूर मुद्दा बनाने की कोशिश की। जहां तक उस घटना की बात है, निसंदेह बहुत निंदनीय और बहुत गलत घटना उस समय पे हुई, और जो एक्शन जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं चुनाव प्रचार में कि उस समय जो कंपनसेशन दिया गया उनकी फैमिली को, वो बनस्पत दूसरे लोगों के मुकाबले कम दिया गया घटना के साथ साथ, वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अपेक्षाकृत उतनी कठिन कार्रवाई या कठोर कार्रवाई या फास्ट ट्रैक के कोर्ट में ले जाके उस केस को जल्दी से नहीं निपटाया गया। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मेवाड़ का परंपरागत जो ये एरिया है, भाजपा डोमिनेशन यहाँ रहा है सदा, तो उस एरिया में यदि ऐसी घटना हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी उसको वाकई भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। अमिताभ तिवारी जो कि राजनीतिक रणनीतिकार है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। आप यहाँ पर हमने लगातार जिक्र कर रहे हैं किस तरह से क्या क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लग रहा है ये जो पेपर लीक के मुद्दे को उठाया गया, लाल डायरी का मुद्दा उठा और कानून व्यवस्था की बात हुई, वर्सेज दूसरी तरफ जो है कांग्रेस साथ गारंटी की बात कर रही है, तो लोग जो अब जाएंगे वोट डालेंगे क्या कुछ उनके दिमाग पर इस वक्त हावी रहेगा? जी, मुद्दों की बात करें तो ऑफकोर्स बेरोजगारी, प्रचलित करप्शन, महंगाई, महिला सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब मुद्दे हैं जैसा आपने बात करा। कांग्रेस पार्टी जरूर अपने गारंटीज के साथ पब्लिक में जा रही है, 7 गारंटीज उसने दी। हालांकि कंसेप्चुअली जो रूलिंग पार्टी होती है उसको अपनी डिलीवरी पे बात करनी होती है, प्रोमिसेस पे पब्लिक तभी बिलीव कर पाती है जब उसने डिलीवरी करी है, और विपक्ष जो है वो वादे कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर जिसे मैं कहता हूं डिलीवरी, अशोक गहलोत की डिलीवरी स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की डिलीवरी मोदी जी की, और अशोक गहलोत की जो परफॉर्मेंस है वर्सेस प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो प्रॉमिसेस हैं या बीजेपी के जो प्रॉमिसेस हैं उसकी लड़ाई है ये। तो बहुत सारे लोग दोनों ही योजनाओं में लाभार्थी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। तो वो जब वोट डालने जाते हैं तो कौन सा चीज उनको ज्यादा मोटिवेट करता है? जैसे मान लेते 3 मेजर वोटिंग ब्लॉक होते हैं, युवा, किसान और महिला। अब युवा जब वोट डालने जा रहा है तो वो क्या 10 लाख रोजगार क्रिएट किया जाएगा इससे मोटिवेटेड होगा, या जी पर्चा की वजह से सरकार के खिलाफ वोट करेगा? महिला जब वोट करने जा रही है तो क्या 5? तो इसका मतलब यह है अमिताभ जी, दोनों ने रेवड़ियां बांटी है, अब किसकी रेवड़ियां ज्यादा मीठी होती है? हम दो तस्वीरें अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं अमिताभ जी, एक तो मुख्यमंत्री को दिखा रहे, दूसरा
वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री को दिखा रहे हैं, वो सेल्फी बूथ में जाकर के सेल्फी ले रही है। हमें बताया जा रहा कि हर्षा भी हमारे साथ है। हर्षा, एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर हैं जहाँ वसुंधरा राजे, देखिए आप खूब सारे वोटर्स के साथ सेल्फी बूथ पे जाके सेल्फी ले रही है। प्राउड टू बी अ वोटर है, स्वीप का है, और काफी महिलाओं के साथ अभी उन्होंने बूथ से एक फोटो खिंचवाई है। बहुत यहाँ पर, क्योंकि वो यहाँ से MLA है, 11वां चुनाव है उनका, तो वो जगह जगह जाकर बूथ पे उनको हक है देखने का कि वोटिंग कैसे चल रही है, इसलिए वो झालावाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के दौरे पे है और अब नेक्स्ट बूथ पर निकलने वाले ही है। आप देख सकते हैं वसुंधरा राजे दिख रही है यहाँ पर, और अभी उन्होंने एक सेल्फी ली है। मैम, लवली सेल्फी विद वुमेन वोटर्स, बहुत अच्छा लगा। इट्स लॉट ऑफ फन इन देयर। आई डिडंट रियलाइज कि दैट इट्स अ नाइस स्टैंडिंग। आई थिंक द वुमेन वर क्वाइट हैप्पी टू टेक दैट सेल्फी विद यू। आई एम श्योर दे मस्ट बी डूइंग लॉट्स ऑफ देम एनीवे। तो बस वसुंधरा राजे जिन्होंने बताया कि वो जो सेल्फी बूथ है आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वहां पर उन्होंने इन महिलाओं के साथ सेल्फी लिया था। ये अभी वोट डालने आई थी, आप लोग ने मैडम के साथ सेल्फी फोटो खिंचवाई, क्या क्या किया था आपने अभी? दान खाड़ोगे। अच्छा, वोट डाल दिया आपने। क्या सोच के वोट दिया है, क्या सोचते हो वोट डालने के पहले? कहीं भी माँ गाँव नहीं मिले, माया गाँव नहीं मिले, माँ के नाम जी कहीं योजना नहीं मिले, माया के नाम जी नहीं, माँ के कालो नहीं आई, गाँव का माँ के नहीं आई, योजना नहीं आई, आप नहीं आई, कट योजना नहीं आई। तो समाज कल्याण की योजना आपके तक पहुँची है? राशन पानी सब मिला है, रोड नहीं है, रोड तो है, रोड है। तो जो महिलाएं जिन्होंने वसुंधरा राजे के साथ अभी वो आई थी, वो सेल्फी वाले बूथ पे फोटो खींची थी और बता रही है कि कई सुविधाएं हैं जो अभी तक उनके पास नहीं पहुंच चुकी है। हाँ जी मनोरंजन, बिल्कुल। और यहाँ हर्षा, हम ये जानते हैं यहाँ पर राजस्थान में जो महिला मतदाता जो हैं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हैं, और अच्छा ये लग रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी निकली हैं वोट डालने के लिए। आप ये बताएं, यहाँ पर अभी हमने वसुंधरा को देखा, वोट उन्होंने भी डाला, इस बार पूरा बीजेपी का जो कैंपेन हुआ वो कहीं ना कहीं छूटती हुई, पीछे छूटती हुई नजर आई। एक मंच पर प्रधानमंत्री ने मंच साझा किया था वसुंधरा राजे के साथ, वसुंधरा के समर्थक जो है वो थोड़ा कुछ नाराजगी भी थी। इस पूरे चुनाव में किस तरह से यहां पर देखा जा रहा है इस चुनाव को, जो कि प्रचार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से? ये देखिए, ये जो चुनाव है ये कांग्रेस की तरफ से समाज कल्याण की योजनाओं पे लड़ा जा रहा है, और बीजेपी चाह रही है कि जो वोट फॉर चेंज है वो उनके फायदे में रहे। अभी यहाँ सर वसुंधरा राजे निकल के गई है, तो लाजमी है कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है, ये बीजेपी के पोलिंग एजेंट हैं। लेकिन जो पूरा चुनाव है वो एक तरह से अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी बन गया है ये चुनाव, क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो फेस है इस कैंपेन का, उनकी समाज कल्याण योजनाओं को लेकर वो फेस है। उन्होंने एंड में ये जरूर करने को कोशिश करने की कि सचिन पायलट उनके साथ साथ हैं, एक मंच पे हैं, क्योंकि उनको एक समुदाय विशेष को संदेश देना था। लेकिन जहां बीजेपी है वो एक रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स पर फोकस कर रही है, और ये चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। जातिगत राजनीति जो है, जो कास्ट अरिथमेटिक जो है, वो बहुत ही अहम रहेगा, ये तो साफ है, क्योंकि बहुत क्लोजली फॉट इलेक्शन है। लेकिन इस तरह से ये रहने वाला है चुनाव। जी, भीड़ इकट्ठा हो रही, मेरे कैमरामैन थोड़े से उत्तेजित हो रहे हैं। हर्षा, मैं आपको जाने दूंगा। मेरा एक सवाल है केवल, कई जो लोग हैं उनका मानना है कि इस बार जो है वो राजस्थान का चुनाव थोड़ा साइलेंट है, थोड़ी सी जो है उसमें आप कह सकते हैं एक रहस्य भी है। क्या ये सच है कि इस बार का चुनाव बाकी पिछले चुनाव से अलग है? ये थोड़ा सा पूछते हैं लोगों से ही, लोग हमारे एंकर पूछ रहे हैं स्टूडियो में कि क्या इस बार चुनाव साइलेंट है, आप लोग नहीं बता रहे हो किसको वोट दोगे, या आप लोग सब खुलेआम बता रहे हो वोट दोगे? खुला चुनाव है। पायलट ग्रुप का गांव है, फुलपाल कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, सचिन पायलट का यहाँ पे गुजर मतदाता है, आप बताओ किसको क्या है यहाँ पर? सभी साइलेंट चुनाव है या आप लोग खुला दे रहे हो वोट? किसको दे रहे हो? मैडम का।
अच्छा मैडम, मोदी जी का मैडम का राम मंदिर बनाया उन्होंने मां के लिए, तो नहीं ये तो मैडम के एजेंट थी कि तो आपको इधर मिल गया मोदी जी का, इधर मिल गया आपको पायलट का चुनाव। चलिए ठीक है, चुनाव नहीं है, सब लोग जिसको चाहे वोट दे रहे हैं। जरूर जरूर जी हर्षा, आप जी हर्षा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के बीच में घिरी हुई है, लोगों ने अपनी बातें कह भी दी कि हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी पार्टी का नाम लें, लेकिन क्या करें, लाइव कवरेज है। मुबारक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुबारक के पास चलते हैं, फिर अपने मेहमान के पास चलेंगे। मुबारक बताइए कैसी चल रही है वोटिंग? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे, राजस्थान में विधानसभा चुनाव का आज मतदान का ये दिन है। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और शुरुआत के जो दो घंटे हैं उनमें 9% से अधिक जो है मतदान अब तक संपन्न हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस तरह जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, हम किशनपोल विधानसभा के एक बूथ पर खड़े हैं जहाँ देखिए बुजुर्ग जो महिलाएं उनके चेहरे आप देख सकते हैं कि वो यहाँ वोट करने पहुंची, और सुबह का ये समय जहाँ महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने का यहाँ जो है प्रयास करती हुई दिखाई दे रही हैं। भारी संख्या में युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कैसा लग रहा है वोट करने आप जा रहे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करें। बहुत अच्छा लग रहा है, मुद्दे तो विकास का मुकदमा होना चाहिए, जितना ज़्यादा विकास उतने ज़्यादा वोट, जो ज़्यादा विकास पर ज़्यादा ध्यान देगा उसकी तरफ ही हम वोट के लिए देंगे। किस तरह का माहौल है आज आपके इलाके में? बहुत अच्छा माहौल है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो रही है यहाँ, और देखते जिस तरह विकास यहाँ पर किया है अमीन कागजी साहब ने, तो लगता है कि दोबारा आ जाएंगे वो। अच्छा माहौल ठीक लग रहा है आपको, विकास की बात ये कर रहे हैं भाई साहब, आपका क्या नाम है, क्या लग रहा है आपको? शमशुद्दीन नाम है मेरा, और विकास के नाम पर बहुत अच्छा कार्य किया है हमारी गहलोत सरकार ने, और हमारा जो वोट है वो कांग्रेस को है। मुबारक मुझे ये बताइए आप मुबारक, आपसे मेरा सवाल है, मेरा आपसे सवाल है मुबारक कि आप ये बताइए कि जो यहाँ पर पोलिंग की प्रक्रिया चल रही है, आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे या फिर जयपुर की सारी सीटों के बारे में क्या क्या आकलन है? जी देखिए 19 जो विधानसभा सीटें हैं जयपुर जिले की, उनमें ये चुनाव होने जा रहा है, और प्रदेश की 199 विधानसभा सीटें जहां चुनाव हो रहे हैं, और अब तक 9% से अधिक जो है मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो प्रतिशत है मतदान का वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब तक देखिए शांतिप्रिय तरीके से जो है मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कोई भी पूरे प्रदेश भर से ऐसी अप्रिय घटना की जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। सुबह का ये समय लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, आम वोटर्स हैं, उनसे भी हम बात करें, किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। किन मुद्दों को लेकर हो रहा है? किन मुद्दों को लेकर? जो जिस तरीके से राजस्थान सरकार चली है और जिस तरीके से गारंटी जो आम लोगों से क्या अपील करते हैं आज के दिन? आम लोगों से अपील करते हैं कि जो अपना मतदान का प्रयोग करें, कोई भी मतदान ऐसा नहीं हो कि अपने एक 5 साल के लिए सरकार चुनने के लिए जा रहे हैं, सभी मतदान करें। तो देखिए आम लोगों से भी जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो मतदान की अपील कर रहे हैं, और मैं देखिए बताना चाहूँगा जो विधायक हैं इस इलाके के वो भी मतदान करने यहाँ पहुँचे हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि मतदान करने वो अब यहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने मतदान कर दिया है। वैसे मतदान आपने कर दिया है, क्या अब सजा क्या कहेंगे आम जनता को, अपील क्या करना चाहेंगे आज के दिन? जल्दी बेस्तु का आया भी का बहुत बड़ा पर्व है, तो ऐसे में क्या कुछ आप चाहते हैं कि लोगों से क्या अपील करते हैं? चल 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 जी, सुनाई नहीं मैं, अपील क्या करना चाहते हैं? देखिए किशन पोल के चहुमुखी विकास और राजस्थान सरकार की जो वारंटी है, जो सरकार ने गारंटी दी है कि हम जैसे ही राज में आएंगे तो पुरानी स्कीमों के साथ नई स्कीम जो साथ हमने लॉन्च करेंगे, गारंटी जिसकी दी है, एक तो वो बड़ी बात है, लोगों में उसको लेकर उत्साह है। तो हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में जो मतदान चल रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं, जनता के जहन में क्या है, हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। नंदगोपाल गुर्जर जी, आपसे ये समझना चाह रहे हैं, इस बार जो चुनाव हो रहा है, बताया जा रहा है जो चार जातियां हैं खासतौर से जाट, राजपूत, गुर्जर और मीणा, कुल 27% इनकी जनसंख्या है और मतदाता माने जाते हैं, 100 सीटों पर इनका ज्यादा असर माना जाता है, आप किस तरह से देख रहे हैं चुनाव में इन तमाम जातियों के रोल को? जो आप कह रहे हैं जातिगत चुनाव अभी भी हमारे हर स्टेट में लड़े जाते हैं, और जो आपने जातियाँ गिनाई हैं, चाहे गुजर है, मीना है, चाट हैं, तो ये एक किसान कौम है, और किसान कौम एकजुट है वहाँ, और एकजुट होकर ये वोट देते हैं, और एकजुट होकर ही सरकारें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। आज के समय में सचिन पायलट वहाँ
डोमिनेट कर रहे हैं इन सभी किसान कौमों को, और उनके निर्विवाद नेता भी हैं और वो उनकी आवाज भी उठाते रहते हैं। लेकिन सचिन पायलट और गहलोत साहब के तो 36 के आंकड़े हैं। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब की वजह से जो मैं समझता हूँ जो नुकसान यदि मुझे नज़र आ रहा है कांग्रेस में, वो यही नज़र आ रहा है कि सचिन पायलट साहब के नाम पर कांग्रेस पार्टी जीती और उनको मुख्यमंत्री न बनाकर कांग्रेस पार्टी ने गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया, उससे कहीं ना कहीं नुकसान दिख रहा है इन तीनों समाजों में। और मीना गुजर और जाट राजस्थान में आज बहुत एकजुट है। उससे अलग हट के एक छोटी सी बात और परफॉर्मेंस की मैं कहना चाहूँगा, जैसे वो सीनियर रिपोर्टर आपकी कह रही थी कि परफॉर्मेंस की बात है, गहलोत साहब की परफॉर्मेंस मेरी समझ से उतनी अच्छी नहीं, प्रधानमंत्री से कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते, प्रधानमंत्री ने डिलीवर किया है। लेकिन गहलोत साहब के बारे में इतनी एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो जादू से मुख्यमंत्री बने हैं। सीपी जोशी यदि चुनाव एक वोट से नहीं हारते मुख्यमंत्री नहीं बनते, और वो छोड़कर क्या गए विरासत 21 सीट पर कांग्रेस को छोड़कर गए, सचिन पायलट ने उसको दोबारा सत्ता में लाए, तो उनके परफॉर्मेंस में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। कि जब चुनाव होता है तो एक तरफा होता है, जो पार्टी हारती है तो बुरी तरह हारती है। अमिताभ जी आपसे आपके पास आना चाहूंगा, यदि कास्ट की बात करें तो एक ट्रिपल एम की भी बात जो है राजस्थान में कही जा रही है, मीना मुस्लिम माली, इस पे कुछ कहना चाहेंगे कास्ट इक्वेशंस पे? देखिए मुस्लिम समाज का इन्फ्लुएंस जरूर वहां पर है, लगभग 21 सीटों में है, खास करके जो सेंट्रल रीजन है, धुंधार रीजन है, और अर्बन क्षेत्रों में मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा है। मेरे हिसाब से वहां पर लगभग 21 माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस सीट्स हैं, लेकिन वहां पोलराइजेशन बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है, जिसकी वजह से भाजपा एक्चुअली इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन हिस्टोरिकली करने में कामयाब रही है 2008 और 13 में। सिर्फ 2018 में जो है कांग्रेस पार्टी इन 21 सीटों पर मुस्लिम समाज की सीटों पर लीड कर रही थी, तो इस बार भी वही माहौल हम देख रहे हैं, बड़ा मुद्दा रहेगा। और इस बार भी पोलराइजेशन हुआ है क्या? नहीं, पोलराइज चुनाव तो हम देख रहे हैं हो रहा है, लेकिन ये हर सीट पे नहीं होता, हर क्षेत्र में नहीं होता। देखिए पोलराइजेशन जहां होता है वहां मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा होती है, तो मुस्लिम समाज की आबादी लगभग 9% ही है वहां पर, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ज्यादा है और कुछ क्षेत्रों में कम, तो जहां पर ज्यादा होगा वहां पर ये एक फैक्टर रहता है। और मीणा और गुज्जर समाज का एक 36 का आंकड़ा है वहां पर काफी टाइम से, क्योंकि गुज्जर समाज जब से डिमांड कर रहा है एसटी कैटेगरी में इंक्लूजन के लिए, तब से ये चला आ रहा है। अब गुजर समाज का इन्फ्लुएंस लगभग 40 सीटों पे है, पिछली बार सचिन पायलट की वजह से 24 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, यानी मीनाओं ने भी कांग्रेस पार्टी को वोट किया था और गुजरों ने भी। लेकिन इस बार क्या होगा सर? हाँ, लेकिन इस बार क्योंकि डेप्यूटी सीएम और स्टेट प्रेसिडेंट पद से हटाया गया, ना वो सीएम फेस है, गुज्जरों में एक डिसकंटेंट है, और इस बार जो है उस तरह का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता हुआ नहीं दिख रहा है जो पिछली बार मिला था, क्योंकि गुज्जर वैसे भी ट्रेडिशनली जो है वो भाजपा का वोटर है, और प्रधानमंत्री ने भी जो इनजस्टिस की बात करी है पायलट फैमिली को, इसी तरफ संकेत करता है कि वो जो ये डिसकंटेंट है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और माली समाज तो वैसे भी इन्फ्लुएंशियल समाज नहीं है, वहां पर माली समाज की आबादी सिर्फ 2-3% के ही करीब है। हालांकि गहलोत ने एक सोशल कोएलिशन बनाया है मालीस प्लस मीणास प्लस मुस्लिम्स प्लस दलित्स का, जिसकी वजह से वो वहां पर सत्ता पे काबिज है पिछली 3 बार से या 15 सालों से, लेकिन माली समाज का ऐसा कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं है। लोअर ओबीसी का है और लोअर ओबीसी जैसे अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाजपा को सपोर्ट। ये बताएं थोड़ा संक्षेप में, 21-27% आरक्षण देने का ऐलान यहाँ गहलोत साहब ने ओबीसी क्लास को किया था, क्या वो असर करेगा इस तरीके की अपील और ऐलान? देखिए वही बात है ना, जब आप सरकार में होते हैं तो आप ज्यादा ऐलान नहीं कर सकते, आपको करना होता है। पब्लिक कहती है आपने 5 सालों में क्यों नहीं किया, नंबर वन। दूसरा, ये जो कास्ट सेंसस का मुद्दा है, इसकी वजह से ये जो 6% एडिशनल उन्होंने रिजर्वेशन बोला है, ये पूरा कंफ्यूजिंग मैसेज हो गया है कि कास्ट सेंसस के बाद तो 6% क्यों, कास्ट सेंसस के बाद तो बिहार की तरह 50% जितनी भागीदारी, जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात हो जाएगी, कंफ्यूजिंग मैसेज हो गया। और अशोक गहलोत कास्ट सेंसस के खिलाफ रहे हैं,
बहुत ही प्रेशर डालने पर राहुल गांधी के एंड में उन्होंने माना है कि चलो ठीक है कास्ट सेंसस कर देते हैं, क्योंकि ये कास्ट सेंसस जो मामला है ये जो बड़ा ट्रिकी मामला है, इसपे मतलब किसी तरफ भी जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा ओबीसी को टिकट दिए नहीं, तो जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन भाजपा से भी कम ओबीसी को टिकट दिया गया है। सही, तो ये एक क्रेडिबिलिटी, चाहे राजस्थान हो, दोनों जगह कम टिकट दिए हैं। आपका अमिताभ तिवारी जी, आपका नंद गोपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे साथ जुड़े।